अच्छा, हाल ही में इंडस्ट्री के हमने दो सितारे खो दिए हैं, दो सिंगर, के एंड सिद्धू मूसेवाला। और मैंने आपको देखा भी है कि आप जो इवेंट्स अब कर रहे हैं उसमें आप ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं, उनके गाने भी गा रहे हैं, तो उनके लिए कोई रिएक्शन? तो के इज़ बिन वन ऑफ माई चाइल्ड हुड इंस्परेशन। मैंने आई मीन स्कूल में था जब ही उनके गाने आए थे, वो यारो दोस्ती और पल, और उनका जो एल्बम जो था इतना इन्फ्लुएंशियल था वो एल्बम। आई थिंक नोबडी हु ग्रू अप इन द 90s, जैसे मैं 90s में मैं स्कूल में था, इन दैट पीरियड अगर आप स्कूल में थे तो यू वर फॉर श्योर वर अ फैन ऑफ के। और उनके इतने सारे फिल्म के भी गाने हैं, और यू नो ही इज़ बिन सच अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई यू नो एज अ म्यूजिशियन टू मी। तो मैंने मुझे तो बहुत बुरा लगा उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि जो ऑडिटोरियम में जिस जहाँ पर वो परफॉर्म कर रहे थे, मैंने वो ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया है, और वो हाँ, और मेरे साथ भी वो सेम एक्सपीरियंस था कि एसीज बंद थे, बहुत गर्मी था, और मतलब इट वाज अ वेरी अनकंफर्टेबल प्लेस टू परफॉर्म। ओके, तो मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस था कि आई वाज स्वेटिंग, ऑडियंस वाज फीलिंग सो हॉट, वो इट वाज वेरी लाइक अनबेरेबल। तो आई डोंट नो, अगर मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कि उसकी वजह से हुआ कि नहीं, लेकिन आई फील कि इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। उनका मैनेजमेंट था उनके साथ, यू नो आजकल तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैं टूर पे गया था आशा भोसले के साथ, तो मैं जब भी मेरी करियर की शुरुआत हुई थी, तो वो टाइम पे मैं आशा जी के साथ गाता था। तो एक शो कर रहे थे हम लोग ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, जो आई वाज ऑन स्टेज, तो आशा जी वाज यूज्ड टू स्टैंड राइट इन फ्रंट नेक्स्ट टू मी, क्योंकि मैं भी गाता था, तो बोथ द सिंगर्स, देयर वर टू थ्री सिंगर्स, तो आई वाज वन ऑफ देम, एंड मैं उनके एकदम पास में खड़े रहता था ऑन द स्टेज। तो आई वाज द क्लोजेस्ट पर्सन, शी केम अप टू मी एंड शी टोल्ड मी वन डे इन द मिडल ऑफ द शो के बीच में, मुझे शी सेड मेरे चेस्ट में पेन आ रहा है। तो आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, शी वाज 77। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा पैनिक हो गया, मैं स्टेज से आई लेफ्ट द स्टेज इमीजिएटली, मैंने जाके मैनेजमेंट को बोल दिया। लेकिन वो सिचुएशन में मैंने ये देखा कि आशा जी ने बहुत पोलाइटली शो के बीच में 5 मिनट्स में ब्रेक लेती हूँ, जाके डॉक्टर से चेकअप करवा लिया। डॉक्टर था वो उस प्लेस में नहीं, वेन्यू पे था। वेन्यू पे डॉक्टर था, और ही चेक्ड हर एंड ही सेड नहीं सब ठीक है, यू कैन गो एंड परफॉर्म, देन शी केम बैक एंड कंप्लीटेड द शो। तो मैंने ये देखा एक दो बार होते हुए, क्योंकि आई थिंक अगर आप म्यूजिशियन हो और आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो यू नो ऑन टूर, और तो आप स्टेज पे बहुत टाइम बिताते हैं, है ना, क्योंकि इतने सारे शोज होते हैं एज अ म्यूजिशियन। हमारे ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द ईयर गोज इन टूरिंग, 1/5 और यू नो मे बी हाफ ऑफ द ईयर इफ यू आर अ वेरी पॉपुलर म्यूजिशियन। तो आई थिंक फॉर दीज गाइज इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि एक सेफ एनवायरमेंट बिल्ड हो। द बिगर द सिंगर द मोर सेफ द एनवायरमेंट नीड्स टू बी, यू नो। तो और आई थिंक दैट दिस सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड। आई फील लाइक वो उनको देख के तो ऐसा नहीं लगता होगा किसी को कि उनको हार्ट अटैक आने वाला है ना, दे वाज ही लुक वेरी फिट। तो मैं कहूँगा कि आई थिंक इट कुड हैव बीन अवॉइडेड।